हेलो गाइस, आज हमने बेसन के लड्डू देखे, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया था ना, कढ़ाई लिया और उसमें ना घी डाला और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसे अच्छी तरह से भून लिया। लेकिन याद रखिएगा गाइस, आप इसे ना लो स्टीम में ही फ्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये ना जले नहीं, ठीक है। और इसे हम ना साइड कर लेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में ना फिर वापस से हम लोग है ना घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें हमें ना सबसे पहले आधा कटोरी जो सूजी होता है ना, सूजी डालेंगे, ठीक है। सूजी डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से लो स्टीम में ही फ्राई करेंगे। ये चीज़ याद, ये बात याद रखिएगा कि मतलब इसे ना लो स्टीम में ही फ्राई करना है। और जितने लो स्टीम में आप धीरे धीरे फ्राई करेंगे ना, उतना ही आपका जो लड्डू का जो ये है ना वो अच्छी तरह से तैयार होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से ये फूल रहा है ना, जब आप घी में डालेंगे ना सूजी, तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा दिखता है। और आप जब भूनेंगे ना तो आपको ये बड़ा प्यारा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक कटोरी बेसन डालेंगे, ठीक है, आधा कटोरी सूजी, एक कटोरी बेसन, ठीक है। अब ये डालेंगे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब अपना जो घी है कम पड़ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस इतना ही याद रखिएगा कि जितना आपका बेसन हो ना, उसी कटोरी के हिसाब से मतलब है ना उससे थोड़ा कम घी डालिएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ना कि आप मतलब ये कम हो गया शायद, इसमें घी कम हो गया है, अब अच्छा नहीं बनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो धीरे 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 जितना आप ये फ्राई होता जाएगा, वो है ना घी जितना वो उसने ऑब्जर्व किया है ना, वो सारा धीरे 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 वो छोड़ देगा, ठीक है। इसे भी लो स्टीम में ही फ्राई करना है। मैंने एक बात बताना मैं भूल गई थी, इसमें दो से तीन हमने केसर डाला था, ठीक है। और इसे ना कुछ इस तरह से हम फ्राई करते रहेंगे, देख रहे, कुछ इस तरह से ही हम फ्राई करते रहेंगे, ताकि मतलब इसे ना छोड़ना नहीं है। जब तक आपका बेसन भून रहा हो ना, आप उसे कंटिन्यू आप चलाते रहें, ठीक है, ताकि वो है ना जो कढ़ाई में आपका ना नीचे बैठे नहीं। देखिए कितना सुंदर अपना जो बेसन है ना वो छोड़ दिया, घी छोड़ रहा है ना, यानी कि आपका लगभग आपका बेसन जो है तैयार हो चुका है लड्डू बनने के लिए। अब हम 1 से 2 मिनट रखेंगे गैस में, उसके बाद है ना हमारा लगभग बेसन तैयार हो चुका है, तो हम इसे उतार लेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसे लो फ्लेम में ही रखना है। 1 सेकेंड के लिए भी इसे आप फुल स्टीम ना करें। अगर आप इसे फुल स्टीम करोगे तो ये आपका जो लड्डू का जो ये है ना वो कहीं से जल जाएगा, या फिर मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और जब आप ये भूनोगे ना, तो मतलब अगल बगल में सब भी कोई पूछना स्टार्ट कर देंगे कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका मेरा जो बेसन है अब तैयार हो गया है, देख रहे। अब हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद ना मैंने चीनी लिया था, ठीक है, जितना बेसन था उससे थोड़ा कम घी था, उससे थोड़ा कम सूजी था, और जितना बेसन था उतना ही चीनी था, ठीक है। चीनी लिया था और उसमें मतलब करीबन 5 से 6 इलायची लिया, और उसे ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। कूटने का कोई झमेला नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे ना एक ही साथ है ना उसे ग्राइंड कर लेंगे, ताकि जब ग्राइंड हो जाएगा तो वह हर जगह बहुत ही बखूबी से मिल जाएगा, ताकि अपने जब लड्डू बने तो हर जगह आपको इलायची का स्मेल जो आता है ना काफ़ी टेस्टी आता है, और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा आता है, तो वो है ना हर जगह मिले, ठीक है। और दांत में भी कभी कभी किसी का होता है ना कि दांत में पड़ जाए तो उसे अच्छा ना लगे, वो वाला भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस वजह से ना हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कट करके फ्राई करके रखा हुआ था अब वो उसमें मिला देंगे, ठीक है। इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट चलाएंगे क्या मतलब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अभी आप इसमें हाथ डाल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, ठीक है। और एक चीज़, आपको अगर इसको बर्फ़ी के शेप में काटना है तो आप गरम गरम ही काट लें, या फिर गरम गरम आप फैला करके कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे लड्डू बनाएं। लड्डू बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, आप ना एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से बहुत काफ़ी देर फेंटना पड़ रहा है, मैं अच्छी तरह से आपको सारा दिखा रही हूँ, ठीक है। फेंटने के बाद ना आप निकाल लेंगे, और इसमें लड्डू गरम पानी रखेंगे, हाँ मैं बताना भूल गई, गरम पानी रखिएगा, उसमें हाथ भिगो भिगो कर इस तरह से लड्डू का शेप दीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से हम लड्डू बना रहे हैं,
बहुत गर्म है इस वजह से बन नहीं रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी से मैं फैन के पास लेके जाऊँगी, वहाँ बैठ करके इसे अच्छी तरह से बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है, पूरा हाथ लाल हो जा रहा है, देख रहे हैं, मैं हाथ में पकड़ नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा गर्म है। देख रहे हैं, कुछ इस तरह से अपना सारा लड्डू तैयार हो गया, मैं करके लेके आ गई, बहुत ही टेस्टी बना है। प्लीज़ गाइस, आप है ना, आप इसे ट्राई करिए अपने घर पे, काफ़ी टेस्टी बना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो